हम तो भूल गए थे, हमें अब सारे कार्य सावधानी से करने हैं। महारानी लक्ष्मीबाई अब झांसी के उत्तराधिकारी की सेवा में है। मैं इन्हें कैसे बताऊं? नहीं बता सकता। बाबा हमारे साथ चलिए, हमें बहुत सारी तैयारियां करनी है। सुंदर तुम ही हमारे साथ चलो, बहुत बड़ा भोज आयोजित करना है। चलिए आइए। महाराज आलिस साहब को दरबार में बुलाएंगे ना? हाँ। You will not get away with this, Nelson. What are you talking about, Alice? You know damn well what I'm talking about. ये सारा प्लान तुम्हारा था। What? तुमने क्विनो झांसी का मर्डर करने की कोशिश की। What? Oh, please. What rubbish. मैं जानता भी नहीं कि क्या हुआ है। You know, Alice, allegations लगाने से पहले you'd better have all your facts and evidence in order. You want to play games, Nelson? Let's play. Abhi, tumhare against? Proof nahi hai mere paas. But remember one thing. Ab meri nigahein sirf aur sirf tum par hogi. One mistake, just one, main tumhe nahi chhodunga. Sir, yes? A messenger informed us that the Queen of Jhansi would like to meet you, sir. One. चलो चलो बच्चों, जल्दी से इधर आओ। अब अपने नन्हे मुन्ने हाथों को धोकर जल्दी से भोजन के लिए तैयार हो जाओ। गंगाधर क्षमा करना, मैं जो भी बोलू मुंह पे बोलू। महारानी इस वक्त बच्चों के साथ नहीं अपने आप से खेल रही हैं। अरे वो तो अनभिज्ञ है, लेकिन तुम तो सब जानते हो। जाओ बताओ महारानी को। अगर तुम नहीं बता सकते तो मैं स्वयं बताऊंगी। नहीं दही, सच्चाई से हम उन्हें अवगत करेंगे। महाराज एलिस साहब दरबार में पधार चुके हैं। महारानी, मिस्टर एलिस दरबार में हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जी। सावधान, झांसी नरेश महाराज गंगाधर राव नेवालकर दरबार में पधार रहे हैं। Your Majesty, Her Excellency के बारे में सुनकर कि वो ठीक है, मुझे बहुत ही खुशी हुई। And I am sorry, इससे पहले मैं तो किसी और को क्वीन समझ रहा था। क्या? हमारी महारानी जैसे तो महल में कोई नहीं। बस, यू समझ लीजिए कि एक टैलेंटेड इंसान ने मुझे गुमराह कर दिया।
But I am very sorry. यदि उस समय आपने बुद्धिमानी से काम नहीं लिया होता तो भगवान ही जानता है कि कितना बड़ा अनर्थ हो सकता था। आपकी बुद्धिमत्ता और वीरता से प्रसन्न होकर महारानी की ओर से धन्यवाद स्वरूप पुरस्कृत करने के लिए हमने आपको यहां बुलाया। हमारे ओर से भेंट स्वरूप इसे स्वीकार कीजिए मिस्टर एलिस। आपने हमें बताया कि आपको भारतीय सभ्यता, संस्कृति और धार्मिक ग्रंथों में अधिक रुचि है। वेदों को भी आपने पढ़ा है। गीता हमारे हिंदुस्तानियों का धार्मिक ग्रंथ है। इसे पढ़कर आप अवश्य लाभान्वित होंगे। आपने हमारे महारानी का जीवन बचाया है। यह आपके अविस्मरणीय बहादुरी के लिए स्मृति स्वरूप भेंट। इस प्रेशियस गिफ्ट को पाकर मैं हमेशा महारानी का और आपका आभारी रहूंगा। आभारी तो हम हैं आपके। आपने इतना बड़ा उपकार जो किया है हम पर। No, it is my duty, Your Excellency. नहीं, आपने न केवल हमारी जान बचाई है, बल्कि झांसी के भविष्य को भी बचाया है। क्षमा कीजिएगा, हमने कुछ बच्चों के लिए भोज रखा है। बच्चे हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। हमें आज्ञा दीजिए महाराज। धन्यवाद मिस्टर एलिस। आप केवल बहादुरी नहीं, समझदार भी हैं। इस समय आपने स्थिति की गंभीरता को समझकर बात को बिगड़ने से बचा दिया। मिस्टर एलिस, महारानी सच्चाई से बहुत दूर है और हम उनका दिल नहीं तोड़ना चाहते। सही समय आने पर उन्हें सब कुछ बता देंगे। मुझे इस बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन आई कैन इमेजिन हाउ अपसेट शी विल बी व्हेन शी रियलाइजेस। प्रतीक्षा हो रही है, परंतु उसके पहले हमें आप सबका आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, मन के सच्चे होते हैं, और वो जो भी प्रार्थना करते हैं ना, भगवान सबसे पहले उनकी सुनते हैं। अब हम एक एक करके आप सबके पास आएंगे और आप सबको इसमें रखे हुए चावल हमारे आंचल में एक एक मुट्ठी डाल देंगे, ठीक है? चावल डालो। अब जल्दी से मैं यहां प्यारी प्यारी कर दूं। तुम गंगा जानती हो ना, अब हम गर्भवती हैं। तुम्हें और तुम्हारी नानी को हमारे पास रहना चाहिए। अच्छा अच्छा ठीक है, अब सफाई देने की कोई आवश्यकता नहीं। चलो हमारे साथ इन बच्चों को भोजन कराने में हमारी सहायता करो। महारानी देवी, वो आप क्या? तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ बहू। वैद्य जी आए थे, तुमसे कुछ कहा उन्होंने?
वैद्य जी कभी साहस नहीं हुआ। बहू तुम तो मुझे अच्छी तरह से जानती हो, मैं जो भी बोलूं मुंह पे बोलूं। बहू तुम गर्भवती नहीं हो। लक्ष्मी बाई तुम गर्भवती थी ही नहीं। पर अगर इसी तरह से तुम्हारा व्यवहार रहा तो लोग तुम्हें मूर्ख समझेंगे। बहू तुम गर्भवती नहीं हो। देखिए, झांसी का उत्तराधिकारी अवश्य मिलेगा और वो केवल आप ही से मिलेगा। अब आपका कोनो चिंता की आवश्यकता नहीं। आप बेटे हैं। लक्ष्मी बाई तुम गर्भवती थी ही नहीं। ये केवल हमारा उत्तराधिकारी नहीं, झांसी के उज्जवल भविष्य का अंकुर है। संतान का सुख भाग्यशाली के भाग्य में होता है। देखिए, झांसी के उत्तराधिकारी अवश्य बेटे हैं। तुम अपने पति को ये उपहार देने में सक्षम। ये केवल गर्भवती नहीं। देखिए, झांसी के उत्तराधिकारी। महाराज, आप इन्हें कहिए ना कि हम गर्भवती हैं। ये भ्रमित ये है, हम नहीं। आप इन्हें बताइए ना कि हम झूठ नहीं बोल रहे, हम गर्भवती हैं। भ्रमित हम नहीं, भ्रमित ये है, ये गलत कह रही है। आप चुप क्यों हैं? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आप चुप क्यों हैं महाराज? बोलिए ना महाराज, महाराज आप तो बोलिए। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? भगवान के लिए कुछ बोलते क्यों नहीं? कुछ तो बोलिए भगवान के लिए, कुछ तो बोलिए महाराज। बाबा आप ही बोलिए। बाबा आप ही उन्हें समझाइए ना, उन्हें समझाइए कि भ्रमित ये है, हम नहीं। बाबा कुछ तो बोलिए, हम गर्भवती हैं। बाबा बोलिए ना बाबा। इंदु दीदी आप बताइए ना इन्हें, हम गर्भवती हैं, हम सच बोल रहे हैं। बोलिए ना इंदु दीदी, बताइए ना इन्हें कि हम गंगा गंगा तुम ही कुछ बोलो ना। तुम तो जानती हो ना कि हम गर्भवती हैं। बताओ इन्हें ये झूठ बोल रही है, हम गर्भवती हैं। बोलो ना गंगा, भगवान के लिए कोई तो कुछ बोलो। विश्वास नहीं करते, हम किसी पे विश्वास नहीं करते, किसी पे नहीं। हमें किसी पे विश्वास नहीं है, हमें किसी पे विश्वास नहीं है, किसी पे विश्वास नहीं है। हमें किसी पे विश्वास नहीं है, हमें किसी पे विश्वास नहीं है। हम सब झूठ बोल रहे हैं, हमें किसी पे विश्वास नहीं है। बहू, 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 ये सच है, तुम गर्भवती नहीं हो बच्चे। नहीं, आप झूठ बोल रही हैं। हम गर्भवती हैं। हमें आपकी बातों पे विश्वास नहीं। सब झूठ बोल रहे हैं। हमें किसी की बातों पे विश्वास नहीं है। लक्ष्मी,
तुम गर्भवती नहीं हो, लक्ष्मी बाई तुम गर्भवती थी ही नहीं। ओ, ये सच है। नहीं, हमें किसी पे विश्वास नहीं, किसी पे भी नहीं। मेरे लाल, तू ही सबको बताना कि तू हमारी कोख में है। अरे, अभी तो गणपति पापा का आगमन हुआ था। नहीं, कोई और तुझे महसूस करे ना करे, हम तुझे महसूस करते, हम तुझे महसूस करते। गणपति बापा, 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 गणपति बापा। महारानी साहबा, आप और यहाँ? वैद्य जी, हम गर्भवती हैं ना? नहीं महारानी साहब, आप गर्भवती नहीं है। नहीं, जब महारानी को ये समाचार मिला कि वो गर्भवती नहीं है, तब उनकी हालत पागलों जैसे हो गई थी। आप यदि उन्हें उस समय देखते ना, तुम्हारे प्रसन्नता के वहीं पर नृत्य करने लगते। Oh, such a pity I wasn't there to see it. No matter. Right now, I am celebrating. गणपति बापा, गणपति बापा, गणपति बापा। पिछली बार गर्भपात होने के कारण आपके शरीर से काफी रक्त बह चुका था, इस वजह से आपके शरीर में रक्त की कमी है। मैं क्षमा चाहता हूँ महारानी जी, और कुछ वर्षों तक गर्भवती होना संभव नहीं है। आप बताइए योर एक्सलेंसी, तो फिर आपने आगे क्या सोचा है? साहब, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लक्ष्मीबाई को अच्छी तरह से जानते हैं। इस समय वो हताश और दुखी, भंवर जाल में फंसी हुई एक मछली की तरह तड़प रही है। गणपति बापा, गणपति बापा, गणपति बापा। और गंगाधर को उसकी ये तड़प देखी न जाएगी, और उसे बचाने के चक्कर में वो स्वयं डूब जाएंगे। गणपति बापा, गणपति बापा, गणपति बापा, गणपति बापा। और तब वही होगा जो ये जानकी बाई चाहती है। हम दोनों को किनारे पर बैठकर बस इन लोगों के डूबने की प्रतीक्षा करनी है। गणपति बापा, गणपति बापा, गणपति बापा, गणपति बापा। गणपति बापा, गणपति बापा, गणपति बापा, गणपति बापा। गणपति बापा, गणपति बापा।